हनुमानगढ़ के नाहर से है, जहां क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनप्रतिनिधियों की ओर से विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। विधायक अमित चाचार व पंचायत समिति प्रधान सोहन कारगिल ने गांव गौरखाना व नगर राशि में समसा योजना के तहत बने कमरों का लोकार्पण किया। गांव गौरखाना में 17,38,000 लागत से बने दो कमरों व नगरासरी में 17,38,000 की लागत से बनाए गए दो कमरों का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर विधायक अमित चाचार ने कहा कि कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में भी क्षेत्र में विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया। प्रधान सोहन ढील ने ग्रामीण जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचार, पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया, महंत गोपालनाथ, सरपंच सुल्तान गोदारा, दर्शना देवी, विमला नायक, प्रियंका नेहरा, प्रकाश साहू, घिसाराम विधायक सुभाष चंद्र, कृष्णा सहारण आदि उपस्थित रहे। साथ में आए हुए राशनपुरा गांव से तेतरवाल जी, जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, सहू जी जो संगठिया से है वो भी पंचायत समिति सदस्य है, इस गांव के सरपंच साहब, हमारे यहाँ के दानवीर जो हाल में ही कमरों का निर्माण करवाया, शिल्ला जी, हमारे जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि घिसाराम जी, ओम जी, बाबूलाल जी, सहदेव जी, आपका विधायक, आपने 2.5 साल पहले इसका स्थायी समाधान चाहिए, जिससे कि टेल पे बैठे किसान अपने हक का पानी लगा सके। और मुख्यमंत्री जी ने नियमों में संशोधन करते हुए राजस्थान का एकमात्र ऐसा पुलिस थाना जो सिर्फ पानी चोरी रोकने का काम करेगा और वो नोहर में स्थापित करने की घोषणा की, उसकी भी स्वीकृति आ चुकी है और सिंचाई कॉलोनी में आने वाले कुछ ही दिनों में वो स्थापित होगा, जिससे कि नोहर और बादरा क्षेत्र की जो भी नहरें हैं उस पर निगरानी करते हुए पानी चोरी रोकने का काम करेगा। एक हमारे 14 गांव और भादरा के 14 गांव कई दशकों से उसकी मांग चली आ रही थी, पूर्व के राज में आप सबके प्रयासों से आपने काफी आंदोलन किया, 7-7 दिन तक हमारे जनप्रतिनिधि टंकी पर चढ़े रहे, लेकिन उस सरकार ने तो उन जनप्रतिनिधियों से किसानों से बात तक नहीं करने की सोच नहीं रखी, उन्होंने कलेक्टर तक को यहाँ नहीं भेजा कि वो किसानों से बात करे, समझेगी उनकी क्या मायने है। लेकिन हमने जब मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में जब बोला, पिछले बजट पहले बजट में उन्होंने DPR बनाने की घोषणा की, फिर मुख्यमंत्री जी दोबारा अवगत कराया कि DPR बनकर आ चुकी है, आप इसकी पिछले बजट में घोषणा कीजिए। हमने सिंचाई सचिव के साथ साथ सभी अधिकारियों को अवगत कराया कि किस तरह से आप इसमें इस पानी की व्यवस्था हो सकती है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है और उसकी कमेटी का भी निर्धारण किया कि इन व्यक्तियों की कमेटी